नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य जोर में। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिशु कर्मा योजना के अंतर्गत आपकी जो लॉगिन आईडी पर अनुबंध आने की डेट थी 28/7/2023, पर अभी तक अनुबंध शो नहीं हो रहे। तो अनुबंध शो क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है कि आपके आईडी पर अनुबंध शो नहीं हो रहे हैं, तो इसी के विषय में आज आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुल जो पंजीयन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वो जो लास्ट तारीख बताई जा रही है वो आज ही की बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,81,000 आवेदन हो चुके हैं और जो रिक्तियां हैं वो रिक्तियां बहुत धीरे से बढ़ रही हैं, 57,578। तो कुल इतनी ही रिक्तियां हैं और यहाँ पर आप पंजीयन की स्थिति देख सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अनुबंध आना कितना मुश्किल है। ठीक है, जिसके पास अनुबंध आएगा केवल उसको ही ज्वाइनिंग मिलेगी, उसको ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ऊपर जो पट्टी चल रही है इसमें डेट अभी 28/7/2023 ही बताई जा रही है, जिसमें अभ्यर्थी अपने अभिरुचि के अनुसार आवेदन कर सकेंगे तथा प्रतिष्ठान के द्वारा अगर आपका आवेदन स्वीकार करते हैं, जैसे कि आपने आवेदन किया, तो चलिए हम ये बात आपको डायरेक्ट आईडी लॉगिन कर ही हम समझा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा से मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट्री का यहाँ पर हमने आवेदन किया, तो ये जिस कंपनी ने वैकेंसी निकाली होगी उसके पास हमारा आवेदन चल गया है। ठीक है, हमारे जैसे कई युवाओं के उनके पास आवेदन चले गए हैं, उनके पास जैसे ही आवेदन गया तो वो छांटा भी नहीं करेंगे कि कौन का क्वालिफिकेशन सही है, कौन के परसेंटेज अच्छे हैं, तो उस आधार पर वो आवेदन जो है वो उनके पास चल गई, अपनी रिक्वेस्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट अपनी उनके पास चल गई। वो जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे आपकी लॉगिन आईडी पर अनुबंध का ऑप्शन शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि अनुबंध का ऑप्शन अभी तक शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के पास शो नहीं हो रहा। अगर किसी के पास शो हो रहा है तो हमें जरूर बताएं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आप एक आईटी में केवल 30 कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 30 कोर्स सिलेक्ट किया, अब हम आपको एक कोर्स और ऐड करके बताते हैं तो ये क्या आपको एरर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रेजुएशन से। ठीक है, ग्रेजुएशन 12वीं हम किसी से भी आपको डालकर बता देते हैं। 30 कोर्स हो चुके हैं हमारे। ठीक है, 30 कोर्स हो गए, फिर भी यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक क्लिक नहीं ले रहा है, मतलब एक आईडी में आप अपनी लॉगिन आईडी में केवल 30 कोर्स को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 30 कोर्स सिलेक्ट करेंगे तो आपको एरर दे देगा कि आप एक लॉगिन आईडी में केवल 30 कोर्स से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी अपने अगर आपने आवेदन किया है तो इसमें 30 कोर्स को ही अप्लाई करना है, किसी में ना किसी का अनुबंध तो आपके पास जरूर शो होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे 30 सेक्टर में अप्लाई किया है तो इसमें से जरूर एक से दो में जरूर हमारे पास अनुबंध आएगा, फिर हम जिसमें चाहें उसमें अनुबंध को कर सकते हैं। अनुबंध का ऑप्शन जहाँ तक बताया गया है कि यहाँ पर आपको अनुबंध का ऑप्शन शो होगा, अगर कोई कंपनी आपके आवेदन को स्वीकार करती है तो ही आपके पास अनुबंध का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वैसे तो अनुबंध का ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 तारीख से अनुबंध मतलब 29 तारीख से अनुबंध आ जाना चाहिए, पर आज 31 तारीख हो गई है, पर अभी तक अनुबंध का कोई पता नहीं। अगर आपके पास अनुबंध आते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।